हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो बढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 10th एक्सरसाइज 2B का पार्ट 2 और हम लोग शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 से। तो निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए। हमको शून्य ज्ञात करने हैं और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बिल्कुल सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 1 था, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, इसलिए हम इसको भी करके बता देते हैं। तो पहला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 4u² + 8u, ठीक है। तो इसके हम यहाँ गुणनखंड कर रहे हैं तो क्या कॉमन आ जाएगा, 4u कॉमन आ जाएगा। कुछ घबराने की बात नहीं है, जैसा आप करते हो वैसा करते रहिए, कोई घबरा जाएंगे फिर आपको दिक्कत हो जाएगी। 4u कॉमन ले लिया तो u + 2 बच गया, ठीक है। अब देखिए, अब तो कुछ हो नहीं रहा, तो जब कुछ नहीं हो रहा तो लिखिए शून्यकों के लिए। किसके लिए, शून्य के लिए। तो शून्य के लिए क्या हो जाएगा, 4u ब्रैकेट में u + 2 = 0। तो एक बार 4u = 0 करेंगे आप तो u की वैल्यू 0 आ जाएगी, एक शून्य लिया आ गया। फिर दूसरा शून्य निकालेंगे तब क्या करेंगे, u + 2 = 0 हो जाएगा। एक तो 4u इसको बराबर 0 के रखा है, अब इसको बराबर 0 के रखोगे तो u = -2 आ जाएगा, समझ गए। अब यहां पर कह रहा सत्यता की जांच कीजिए, गुणांकों के सत्यता की जांच कीजिए। तो यहां पर लिखेंगे, गुणांकों को लिख लेते हैं, a का मान कितना है 4, ठीक, और b का मान कितना है 8, और c का मान कितना है 0। तो सबसे पहले चूंकि मूलों का योगफल, तो मूलों का योगफल क्या होता है, -b/a होता है। फटाफट से हम लोग यहां वैल्यू पुट करेंगे तो 0 + -2 = -8/4, 4 × 2 = 8, -2 = -2, तो हो जाएगा LHS = RHS। अच्छा, एक तो संबंध की सत्यता की जांच हमने कर ली है, अभी दूसरा बचा हुआ है तो उसको भी देख लेते हैं फटाफट से लगे हाथ। वो क्या है, क्योंकि मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल क्या होता है, c/a। अच्छा, पहला मूल कितना है 0 और दूसरा कितना है -2, और c की वैल्यू कितनी, 0/4, तो 0 = 0, LHS = RHS, क्लियर है। तो इस तरीके से हमने इसको प्रूव कर लिया है कि हम लोग कह सकते हैं कि जो मूलों के गुणांकों और के बीच हम लोगों ने सूत्र याद किया है वो बिल्कुल सही याद किया है, क्योंकि उससे हमारा आंसर जो है मैच कर रहा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि जो सूत्र है बिल्कुल सही है और हमारे द्वारा जो क्वेश्चन लगाया गया है वो भी बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल देते हैं, इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन उसको देख लेते हैं फटाफट से। पहले इसको साफ कर देते हैं और फिर हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब देखिए, इसका सेकंड पार्ट हम बताएंगे, थर्ड पार्ट आप क्या करेंगे घर पर अपने आप लगाएंगे। तो देखिए क्या कह रहा है सेकंड पार्ट में कह रहा है, t² - 15। तो अब इसके गुणनखंड तो हो नहीं रहे, लेकिन हमको शून्य ज्ञात करने हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं t का स्क्वायर माइनस
रूट 15 का स्क्वायर, तो वर्गांतर लगा देंगे यानी टी माइनस रूट 15 और टी प्लस रूट 15। फिर लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए क्या करते हैं, टी माइनस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर रूट 15, ये पहला शून्य का गया। दूसरा शून्य क्या करेंगे, टी प्लस रूट 15 बराबर 0, तो टी बराबर माइनस रूट 15, ये दूसरा शून्य का गया। यानी दो शून्य का गए, रूट 15 और प्लस का, और एक रूट 15 माइनस का। अब देखिए आपको शून्य के बीच संबंध मालूम ही है क्या होता है, क्योंकि पहले ए बी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए का मान है 1, ठीक है, बी का मान है 0 और सी का मान है माइनस 15। अब लिखेंगे क्योंकि शून्यकों का योगफल, शॉर्ट में हम लिख रहे हैं योगफल बराबर माइनस बी बटे ए होता है, वैल्यू पुट करेंगे रूट 15 माइनस या प्लस माइनस रूट 15 बराबर 0/1, ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, 0/0, LHS बराबर RHS। दूसरा लिखेंगे चूंकि गुणनफल बराबर C/A, तो गुणनफल कितना दे रखा है, रूट 15 माइनस रूट 15, सी की वैल्यू माइनस 15/1, तो माइनस माइनस प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस और रूट 15 रूट 15 15 बराबर माइनस 15, LHS बराबर RHS। क्या क्लियर है, तो इतना हम लोग लगा सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। तो इस तरीके से हम लोगों ने दूसरे के दो पार्ट कर लिए हैं, और जो इसका थर्ड पार्ट है वो आप अपने आप घर में करेंगे, वो आपका HW यानी होमवर्क है। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बहुत ज्यादा साफ नहीं दिख रहा होगा, पर कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। अभी हम आपको बता देते हैं क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है 2x² + 3x + λ का एक शून्य 1/2 हो तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, का शून्य 1/2 है। तो अब देखिए हमको मालूम है कि शून्य 1/2 है, यानी कि शून्य 1/2 का मतलब यह है कि अगर ये वैल्यू यहां पुट कर दें तो ये इसको शून्य कर देगा। तो लिखेंगे चूंकि 2x² + 3x + λ का एक शून्य को 1/2 है, इसलिए 2x² + 3x + λ = 0 में x = 1/2 रखने पर, तो यहां रख दीजिए, तो 2 1/2² + 3 1/2 + λ = 0, 2 × 1/4 + 3/2 + λ = 0। इसको इससे काट लेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/2 + 3/2 + λ = 0। क्लियर, आगे बढ़ेंगे तो देखिए
ये हो जाएगा 4/2, क्योंकि हर समान है तो अंश जुड़ जाएंगे, प्लस लैम्डा बराबर 0। 2 से काटेंगे तो 2 × 2 = 4 होता है, तो लैम्डा बराबर -2। तो इस तरीके से हम लोग लैम्डा का मान निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से यह बात समझ में आई होगी। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में फटाफट से देख लेते हैं। काफी तेज भागता है। हाँ ठीक है, यदि बहुपद हमारा दे रखा है x²-4√3x+3 के शून्य के शून्य अल्फा कामा बीटा हो, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा का मान ज्ञात करो, ये हमसे प्रश्न में कह रहा है। तो यहां पर शून्य दे रखा है, तो तुरंत हम क्या करेंगे, a का मान देख लीजिए, a का मान 1 है, b का मान -4√3 है और c का मान 3 है। ठीक है, देखिए x² का गुणांक a होता है, x का गुणांक b होता है और अचर पद c होता है। अब यहां पर लिखेंगे, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब ये अल्फा बीटा क्या है, शून्यक है, प्रश्न में साफ साफ कह रहा है शून्यक है, तो शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर --4√3/a, a का मान 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 4√3, समीकरण नंबर 1। ठीक, और इसका देखिए अल्फा इंटू बीटा वो क्या दे रखा है, c/a, तो अल्फा इंटू बीटा c की वैल्यू 3, a का मान 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 3, समीकरण नंबर 2। तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा बराबर, वैल्यू पुट करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 4√3 माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे तो 3, तो ये हमारा आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दी और अल्फा बीटा का मान रख दिया, तो कितना आंसर आ गया, 4√3 -3। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग लगा सकते हैं। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में, यदि बहुपद 2x²-7x+3 के शून्य p तथा q हो, तो p² + q² का मान ज्ञात कीजिए। तो यहां बहुपद क्या दे रखा है, बहुपद दे रखा है 2x²-7x+3, ये हमको बहुपद दे रखा है, इसके शून्य को p और q बता रहा है, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, 2, b की वैल्यू कितनी है, -7, और c की वैल्यू कितनी है, 3। अब हम क्या करेंगे, p प्लस q का मान निकाल लेते पहले, ठीक है ना, तो p प्लस q अर्थात शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल क्या होता है, -b/a, यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो -7/a, a का मान कितना है, 2, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 7/2, ये वैल्यू आ जाएगी p प्लस q की। क्या इतनी बात समझ में आ गया, अब आगे बढ़ जाते हैं और यहां पर देखते हैं कि हमको p इंटू क्यू कैसे प्राप्त हो पाएगा, यानी मूल शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल p गुणे q बराबर क्या होता है, c/a, तो c की वैल्यू कितनी है, 3, और a की वैल्यू कितनी है, 2, तो p इंटू क्यू पता चल गया 3/2, और p प्लस क्यू पता चल गया 7/2, और हमको चाहिए क्या, पहले ये देख लेते हैं, हमको चाहिए
पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमको ये चाहिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हमको ये चाहिए, ठीक है ना। तो इसका यहां पर हम फॉर्मूला लिख देते हैं, याद कर लीजिएगा। पहले तो हम ये लिखते हैं कि वो फॉर्मूला आया कहां से, और फिर उसको आप याद कर लेंगे डायरेक्ट। उससे पहले वाले जो स्टेप हम करवा रहे हैं वो आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए आपको हम बताते हैं कि p प्लस q का अगर हम होल स्क्वायर करें तो हमको क्या मिल जाता है, हमको मिल जाता है p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq। लेकिन अगर हमें इतना मान चाहिए हो तो इस 2pq को क्या करेंगे, इधर उठा के भेज देंगे। तो p प्लस q का होल स्क्वायर माइनस 2pq बराबर पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, ये हमारे पास एक फॉर्मूला बनकर आ जाएगा। इसको हम लोग याद रखेंगे और इसी का उपयोग करेंगे हर जगह, ठीक है। इसका कोई काम नहीं है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो अब हमें क्या चाहिए, हमको पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर चाहिए। अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं, तो लिखेंगे चूंकि पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर p प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस 2pq, यही तो फॉर्मूला होता है अभी हमने बोला। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंदी शकल बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको किस नाम से पहचानेंगे, गंदी शकल के नाम से बोलेंगे, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं और देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं। कुछ नहीं करना है, सारी वैल्यू हमारे पास तैयार है, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। तो p प्लस q का मान कितना दे रखा है, 7/2 दे रखा है, जो अभी निकाला हम लोगों ने। माइनस 2pq का मान कितना दे रखा है, 2 × 3/2, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा, यहां वर्क कर देंगे तो 49/4 − 3, 49 − 4 = 12/4, और यहां पर 49 में से 12 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 37/4। तो इस तरीके से पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर हम लोग यहां पर निकाल लेंगे। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया है। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया और क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि बहुपद 3x² + 11x - 4 के शून्यक m और n है, इसके शून्य कितने हैं, यहां पर देखिए बहुपद क्या दे रखा है, 3x² + 11x - 4 के शून्य m और n है, ठीक है। तो यहां पर सारी वैल्यू हम देख लेंगे, a का मान कितना है, a का मान 3 है, b का मान 11 है और c का मान -4 है, क्लियर है। x स्क्वायर का गुणांक a कहलाता है, x का गुणांक b कहलाता है, अचर पद c कहलाता है। अब यहां पर हमको सब कुछ पता है और शून्य क्या है, m और n है, अर्थात m प्लस n बराबर -b/a। वैल्यू पुट कर देंगे, b का मान कितना है, -11/a, a का मान कितना है, 3। तो ये m प्लस n का मान आ गया, m प्लस n का मान आ गया है। इसका उपयोग कर लेंगे अभी थोड़ी देर में जब हमको जरूरत पड़ेगी। आगे बढ़ जाते हैं और हम यहाँ पर m इंटू n निकाल लेते हैं, यानी शून्य को का गुणनफल, वो क्या होता है, c/a। c की वैल्यू कितनी है, -4। तो m इंटू n बराबर -4/3, ये m इंटू n निकाल लिया हम लोगों ने। अब हमको क्या चाहिए वो देख लेते हैं, यहाँ पर हमको चाहिए m/n + n/m, इसकी वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, mn लासा ले लेंगे, mn, अब n से n कट जाएगा, m बचेगा तो ऊपर पहुंच जाएगा m स्क्वायर, प्लस m से m कटेगा, n बचेगा ऊपर पहुंच जाएगा n स्क्वायर, क्लियर है। तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर यहां लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या करेंगे, गंदी शकल। अभी हमने आपको बताया था कि m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये सारी गंदी शकल होंगे। और गंदी शकल के लिए हमने आपको फार्मूला याद करा दिया है, क्या फार्मूला याद कराया है वो यहां देख लीजिए। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, कोई दिक्कत हो तो बताना, m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn, क्लियर, बटे mn, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं और वैल्यू पुट करना चालू करते हैं। m प्लस n की वैल्यू मालूम है हमको,
माइनस 11 बटे 3 का स्क्वायर, 2 गुणे माइनस 4 बटे 3 बटे mn की वैल्यू है माइनस 4 बटे 3। आगे देखिए हल करेंगे तो 121 बटे 9 माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 3 के पूरे बटे माइनस 4 बटे 3। क्लियर हो गया, 11 का वर्ग 121, 3 का वर्ग 9 और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 बटे 3। अब ऊपर हल कर लेंगे, लासा ले लेंगे, क्या बन जाएगा, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं, ठीक। तो लासा लेंगे, 9 3 का लासा 9 आ जाएगा, 121 ऐसे लिखा रहेगा, प्लस 3 3 9 3 8 24 बटे माइनस 4 बटे 3, 145, 121 प्लस 24 145 बटे 9 गुणे माइनस 3 बटे 4, माइनस 4 बटे 3 है, इसको पलट कर लिखेंगे सबसे नीचे वाला सबसे ऊपर, तो माइनस 3 बटे 4 हो जाएगा। तो यहां पर देखिए ये यहां से कट रहा है, तो 3 एकम 3, 3 3 9, और तो कुछ कट नहीं रहा, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 145 बटे 4 तिया 12। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ भी गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माने जाते हैं, एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा बड़ा कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे सही से। क्या कह रहा है प्रश्न में, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। अरे बड़ा आसान है, शून्य तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए, वही क्वेश्चन है अभी हम लोग पीछे लगा कर आए हैं। तो देखिए यहां पर आपको हम करके दिखा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सबसे पहले बहुपद हमारे पास क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 दे रखा है, ठीक है, इसके गुणनखंड करना चाहो तो यहीं पर कर लो या डायरेक्ट शून्य के लिए लिख दीजिए, तो लिखेंगे शून्य के लिए, शून्य के लिए, क्यों डायरेक्ट क्यों कर रहे हैं, गुणनखंड तो हो नहीं पाएंगे सही से, इसलिए हम लोग डायरेक्ट शून्य से करके भी इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए शून्य के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, ठीक है, शून्य के लिए वो बहुपद 0 के बराबर रख देते हैं, हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर प्लस का 3, एक्स बराबर प्लस माइनस का रूट 3, तो ये एक्स की वैल्यू आ गई, यानी एक्स के दो शून्य आ गए, सॉरी बहुपद के दो शून्य आ गए, पहला शून्य क्या है एक्स बराबर रूट 3 और दूसरा शून्य क्या है एक्स बराबर माइनस रूट 3, ये दो शून्य आ गए हैं। अब यहां पर क्या कहता है प्रश्न में कि उनके संबंधों और गुणांकों के बीच की सत्यता की जांच कीजिए। अब यहां पर देखिए बहुपद में a की वैल्यू कितनी है, a होता क्या है x स्क्वायर का गुणांक यानी 1 है, b होता क्या है x का गुणांक जो है नहीं यानी 0 है, बस यही बच्चे दिक्कत करते हैं, उनको 0 नहीं मिलता है ढूंढने में, तो हम आपको बता रहे जो चिन्ह ना दिखे वो 0 है, और अचर पद c की वैल्यू कितनी है माइनस 3 है। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि मूलों या शून्य को कुछ भी लिख सकते हो, मूलों स्लैश लगा के शून्य भी लिख देते हैं, शून्य को का योगफल, क्योंकि शून्य को का योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए, बी की वैल्यू कितनी है 0, 1 यानी 0, ठीक है। आगे बढ़ जाएंगे और ये तो 0 आ गया, अब LHS में तो वैल्यू रखा नहीं है, तो यहां पर भी रखेंगे रूट 3 माइनस रूट 3 प्लस रूट 3 माइनस रूट 3 कट जाएगा, तो 0 बराबर 0 आ जाएगा, तो यहां लिखेंगे LHS बराबर RHS, सत्यता की जांच करनी है ना इसलिए। फिर लिखेंगे चूंकि मूलों का गुणनफल वो कितना है c बटे a,
और यहां मूल है कितने, रूट तीन गुणे माइनस रूट तीन। सी की वैल्यू है माइनस तीन, ए की वैल्यू है एक। आगे बढ़ जाते हैं और देखिए यहां पर प्लस माइनस माइनस रूट तीन तीन बराबर माइनस रूट माइनस तीन, तो एलएचएस बराबर क्या हो जाएगा, आरएचएस हो जाएगा। तो इस तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं कि गुणांकों की सत्यता की जांच हो गई है। क्लियर है, चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन में, पहले बड़ा करके आपको दिखा देते हैं। बहुपद 48 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हमने आपको दे दिया है HW, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस क्वेश्चन को लगाने से पहले एक सावधानी बरतनी है, वो हम आपको यहां बता देते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 लिख लेंगे, क्रम से लिख लेंगे। पहले माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 48 लिखने के बाद और फिर हम लोग क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। अब यहां पर हम लोगों को ए बी सी तीनों की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, ठीक है, और गुणनखंड आप कर ही लेते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लगा लेंगे, ठीक है। तो ये HW है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं ये भी क्वेश्चन आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, यदि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य एक है तो के का मान ज्ञात कीजिए। अरे बहुत आसान है, तो यहां लिखेंगे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के का एक शून्य को एक है, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर जीरो में एक्स बराबर एक रखने पर। अब यहां पर जीरो कहां से आ जाता है, क्योंकि ये शून्यक है, शून्यक है अर्थात जब हम इसको पुट करेंगे तो निश्चित रूप से बहुपद को क्या बना देगा, शून्य बना देगा, इसलिए हम इसमें जीरो ले आते हैं। ये बात आपको याद रखनी है, यहीं पर बच्चे दिक्कत कर जाते हैं। एक्स का मान आप एक रख देंगे, तो यहां पर एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर जीरो, दो प्लस के बराबर जीरो, के बराबर माइनस दो। क्लियर है, तो इस तरीके से हम के का मान निकाल सकते हैं। चलिए चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। अच्छा एक बात हम आपको पहले बता देते हैं क्वेश्चन करने से पहले, कि यदि हमको शून्यक मालूम हो, क्या मालूम हो, शून्यक ज्ञात हो तो द्विघात बहुपद का सूत्र होता है। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या बन जाता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब ये क्या है, शून्यक हैं, अल्फा कामा बीटा शून्यक हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो ये हमारा द्विघात बहुपद का सूत्र बन जाएगा। कब, जब हमको उसके शून्यक ज्ञात हो। क्लियर है, अब यहां पर कई प्रकार से क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभार शून्यक दे देता है डायरेक्ट और कभी कभार इनका योगफल और इनका गुणनफल दे देता है, तो जैसा प्रश्न होगा वैसा हम लोग देख लेंगे और उस हिसाब से क्वेश्चन को लगाएंगे। क्लियर है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से करिएगा। तो चलिए यहां पर इसको रफ करते हैं और आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को कि कैसे लगाएंगे, क्या दिया गया पहचानेंगे। एक द्विघात बहुपद
ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल, योगफल और गुणनफल दे रखा है। तो पहला यहां पर मान लेंगे माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा एक बटे चार, अल्फा इंटू बीटा माइनस एक। तो योगफल भी पता चल गया और गुणनफल भी पता चल गया। कैसे मालूम योगफल दे रखा है? प्रश्न में साफ साफ लिखा है जिनके शून्यकों के योगफल, यहां पर योगफल दे रखा है, तथा गुणनफल और गुणनफल दे रखा है। ठीक है, तो द्विघात बहुपद, इसलिए द्विघात बहुपद, तो क्या होगा द्विघात बहुपद? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? एक बटे चार इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस एक। क्लियर है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बटे चार माइनस एक। तो ये हम लोग द्विघात बहुपद को इस तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये बात समझ में आ गई होगी। इसके दो क्वेश्चन हैं, वो आप अपने आप लगा सकते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, ये आपके एच डब्ल्यू हैं, आप अपने आप लगाइए। अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा हमको दे रखा है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11 में? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। तो यहां पर भी ये आपका होमवर्क हो जाएगा, पहला वाला, तीसरा वाला भी आपका होमवर्क हो जाएगा, और सेकंड वाला हम आपको बताने जा रहे हैं। तो यहां पर सेकंड में लिखेंगे माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल माइनस एक बटे चार, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है? केवल एक बटे चार। इसलिए द्विघात बहुपद क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब आगे बढ़ गए, माइनस का एक बटे चार इंटू एक्स प्लस एक बटे चार, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स बटे चार प्लस एक बटे चार, ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया है। इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न को लगा सकते हैं, समझ गए ना? तो चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और इसके जो दो पार्ट हैं वो हमने आपको होमवर्क में दे दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहा है? ए एक्स स्क्वायर माइनस पांच एक्स प्लस सी के शून्यकों का योगफल और गुणनफल प्रत्येक 10 के बराबर है। ठीक है, तो यह मान लेंगे माना शून्यक अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, और वो प्रश्न में चल रहा है,
तो हम यहाँ पर कैपिटल का प्रयोग कर लेंगे, कैपिटल बी और कैपिटल ए। क्यों ऐसा कर रहे हैं? क्योंकि हमको स्मॉल ए प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर कैपिटल ए की वैल्यू है कितनी? स्मॉल ए। कैपिटल बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पाँच। और कैपिटल सी की वैल्यू कितनी है? सी। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए, और यहां पर कह रहा है शून्यकों का योगफल 10 है। योगफल कितना है? 10 है। तो अल्फा प्लस बीटा का मान 10 हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हम वहां पर लिख चुके हैं और प्रश्न ने हमको 10 के बराबर दे रखा है। तो माइनस बी की वैल्यू कितनी है? माइनस पांच बटे ए। ए का मान कितना है? स्मॉल ए, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक उधर बुला लेंगे, पाँच बटे दस हो जाएगा, पाँच एकम पाँच, पाँच दूनी दस, तो ए बराबर एक बटे दो आ गया, ये ए की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए, वो भी हमारा दस दे रखा है, अल्फा इंटू बीटा दोनों दस के बराबर है, सी की वैल्यू सी है, कैपिटल ए की वैल्यू स्मॉल ए है, और स्मॉल ए का मान एक बटे दो है, दस बराबर सी बटे एक बटे दो, इसकी इधर गुणा हो जाएगी, तो सी बराबर दस गुणे एक बटे दो, दो से काट लेंगे तो कितना आ जाएगा? पाँच। तो सी बराबर पाँच, क्लियर है। तो इस तरीके से हमारे पास ए और सी दोनों की वैल्यू आ जाएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए ये क्वेश्चन फिर से रिपीट होते हुए बार बार आता है आपके सामने। बहुपद दे रखा है सॉरी बीमार चल रहे हैं, आपको मालूम ही है, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाता है, कोई बात नहीं, आप मैनेज कर लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस एक बटे छः एक्स माइनस दो के शून्य ज्ञात कीजिए। इसके शून्य ज्ञात करना है तथा इस बहुपद के गुणांकों और शून्यकों के बीच के संबंध का सत्यापन कीजिए। बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हम करके आए हैं, एच डब्ल्यू में ये भी हम लगा लेंगे। बस यहाँ पर ध्यान रखना है कि बी की वैल्यू एक बटे छः है, ए की वैल्यू यहाँ पर कितना है? ए का मान एक है और बी का मान एक बटे छः है और सी का मान माइनस दो है, ठीक है। बस बाकी तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, ठीक है, और शून्य भी उम्मीद है कि आप ज्ञात ही कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। अब देखिए सेम टू सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, लेकिन ये वाला क्वेश्चन हम आपको बता देंगे, ठीक है, वरना फिर सारे क्वेश्चन छूटते चले जाएंगे, एक जैसे क्वेश्चन दिख रहे हैं हमको। बहुपद 7y² यहाँ पर लिखते हैं, 7y² माइनस 11 बटे 3y माइनस 2 बटे 3 के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य तो हम बाद में ज्ञात कर लेंगे, पहले इसके क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बटे तीन कॉमन ले लेते हैं। जब तीन कॉमन ले लिया तो इसके बटे में तीन है नहीं, तो 7 * 21 y² माइनस 11 y माइनस 2, क्लियर। एक बटे तीन ऐसे ही चलता रहेगा, 21 * 42 होता है, 21 * 42 42 के ऐसे गुणनखंड कीजिए कि घटाकर 11 आ जाए, 14 * 3 = 42 होता है और 14 में से 3 जाएंगे 11 बचेगा, तो 21y² माइनस 14 माइनस 3y माइनस 2 1 बटे 3 21y² माइनस 14y प्लस 3y माइनस 2, क्लियर। बाकी इधर लगाते हैं थोड़ा सा, 1 बटे 3 और यहाँ पर देखिए 14y² और 21y² माइनस 14y में से क्या कॉमन आ रहा है? 7y कॉमन आ रहा है, तो 7 * 21 3y माइनस 7 * 2 = 14 2 प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो 3y माइनस 2 1 बटे 3 3y माइनस 2 और 7y प्लस 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे शून्य के लिए
शून्य क के लिए, तो एक बटे तीन, तीन वाई माइनस दो और सात वाई प्लस एक बराबर जीरो। शून्य के लिए जीरो के बराबर रखते हैं तो तीन वाई माइनस दो बराबर जीरो कर देंगे एक बार, तो y का मान कितना आ जाएगा, दो बटे तीन। और देखिए फिर दूसरी वैल्यू निकालेंगे तो सात वाई प्लस एक बराबर जीरो, तो y बराबर माइनस एक बटे सात, तो ये y का मान आ गया, y का मान दो बटे तीन और y का मान एक बटे सात। तो दो शून्य हमारे पास आ चुके हैं, एक तो दो बटे तीन है और एक माइनस एक बटे सात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और यहां पर ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। ए का मान कितना है सात, बी का मान कितना है माइनस ग्यारह बट्टे तीन और सी की वैल्यू कितनी है माइनस दो बट्टे तीन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल बराबर माइनस बी बटे ए, तो शून्य हैं कितने, दो बटे तीन प्लस माइनस एक बटे सात, बी की वैल्यू कितनी है माइनस ग्यारह बटे तीन, ए की वैल्यू कितनी है सात, सात तीन का लासा ले लेंगे इक्कीस, तीन सत्ते सात दूनी चौदह, माइनस सात तिया तीन एकम तीन, माइनस माइनस प्लस ग्यारह बटे तीन की टांग खींच लेंगे तो तीन सत्ते इक्कीस, तो ग्यारह बटे इक्कीस बराबर ग्यारह बटे इक्कीस, एल एच एस बराबर आर एच एस। क्लियर है, तो ये हमारी आ गई शून्यकों का योगफल का काम। अब आ जाते हैं गुणनफल पर, तो गुणनफल में क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल शून्यकों का गुणनफल वो होता है सी बटे ए, और दोनों की वैल्यू एक बार देख लेते हैं ऊपर चलकर और फिर यहां पर रख लेंगे। तो दोनों की वैल्यू कितनी कितनी है, यहां पर देखिए दो बटे तीन माइनस एक बटे सात, दो बटे तीन माइनस एक बटे सात, ये गुणा कर ली, और सी की वैल्यू एक बार और देख लेते हैं, बस माइनस दो बटे तीन, माइनस दो बटे तीन और ए का मान है सात। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो देखिए माइनस का दो बटे इक्कीस बराबर माइनस का दो बटे इक्कीस, एल एच एस बराबर आर एच एस। ठीक है, तो इस तरीके से इसको भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखते हैं क्या कह रहा है। वह द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल और गुणनफल शून्यक भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी हमको योगफल भी दे रखा है और गुणनफल भी दे रखा है। तो यहां पर लिखेंगे, माना शून्य अल्फा कामा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दे रखा है, रूट दो, और अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है माइनस तीन बटे दो, तो योगफल भी दे रखा है गुणनफल भी दे रखा है। हमसे कह रहा है द्विघात बहुपद ज्ञात करो, तो बहुपद ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो बहुपद, बहुपद का क्या फार्मूला होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर जीरो। ओ सॉरी, बहुपद ज्ञात करना समीकरण नहीं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान रूट दो एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान तीन बटे दो, तो ये हमारा बहुपद आ गया है। लेकिन यहां पर हमसे क्या कह रहा है, शून्य भी ज्ञात करो, शून्य भी ज्ञात करो, इसका मतलब समझते हो, इसका मतलब है अल्फा का मान भी बताओ
और बीटा का मान भी बताओ, ठीक है ना। तो यहां पर अल्फा और बीटा का मान बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, दो तरीके, या तो ये जो द्विघात समीकरण हमने बनाया है इसके गुणनखंड करें, और या तो हम यहां से कुछ नया फंडा लगाते हैं, ठीक। तो हम यहीं से नया फंडा लगाते हैं और आपको सिखाते हैं, जब भी आपको किसी चीज का योगफल, दो चर राशियों का योगफल और उनका गुणनफल मालूम हो तो तुरंत अंतर निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, अल्फा माइनस बीटा। तो इसका फार्मूला हो जाएगा अंडर रूट अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस फोर अल्फा बीटा। तो फटाफट से वैल्यू पुट करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर यानी रूट दो का स्क्वायर, रूट दो का स्क्वायर दो होता है, माइनस फोर इंटू अल्फा इंटू बीटा का मान माइनस तीन बटे दो है, अंडर रूट दो माइनस माइनस प्लस, दो से इसको काटेंगे तो ये दो बन जाएगा, दो तिया छः, दो रूट दो आ गया, ठीक है। तो अल्फा माइनस बीटा का मान कितना हो गया, दो रूट दो। समीकरण नंबर थर्ड बना लेंगे इसको, और इसको फर्स्ट बना लेंगे, और इसको सेकंड बना लेंगे। अब कुछ नहीं करना है, समीकरण फर्स्ट और थर्ड को जोड़ देना है, समीकरण फर्स्ट प्लस थर्ड, अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो, अल्फा माइनस बीटा बराबर दो रूट दो, प्लस बीटा माइनस बीटा कट गया, क्या बच गया, टू अल्फा बराबर तीन रूट दो, अल्फा बराबर तीन रूट दो बटे दो, ये अल्फा का मान आ गया, ठीक है। अब यहां पर इसी समीकरण को घटा देंगे, अल्फा समीकरण फर्स्ट माइनस थर्ड, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर रूट दो, अल्फा माइनस बीटा बराबर माइनस दो रूट दो, ओ सॉरी प्लस का दो रूट दो, घटा रहे हैं तो माइनस प्लस और माइनस। अब देखिए प्लस का अल्फा माइनस का अल्फा कट जाएगा, टू बीटा बराबर माइनस का रूट दो, बीटा बराबर माइनस का रूट दो बटे दो, क्लियर है। तो इस तरीके से बीटा का मान निकल आया, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग रखते हैं इतना ही, बाकी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और ये अभ्यास हमारा कंप्लीट हुआ है, अगली एक्सरसाइज से हम लोग उसमें मिलेंगे। थैंक यू फॉर